थैलेसीमिया का पेशेंट है एक बच्चा, और ये इनके बता रहे हैं कि हमारा चलान भी हुआ है 2000 का अभी कुछ टाइम पहले, और दोबारा इनको रोक लिया गया है। किस तरह इनका है कि किस तरह ये बच सकते हैं? जी बिल्कुल, थैलेसीमिया का अगर पेशेंट है तो डॉक्टर से लिखवा लें, डॉक्टर इनको लिख के दे दें, ये हेलमेट नहीं पहन सकता, ये हेलमेट पहनने से इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई मसला नहीं। पिछले साल की डेथ रेशो 472 है, जो कि हेलमेट ना पहनने की वजह से है। इजी पैसा जैस कैश होगा आपके पास, ठीक है, उसमें हम आपको एक छोटा सा चलान जनरेट कर रहे हैं, उसको आप अपना सबमिट करवाएं। अभी हम ये कर रहे हैं कि हेलमेट गाड़ी हम बंद कर रहे हैं, हेलमेट लेके आता है हमें चेक करवाता है, तो उसके बाद फिर हम इसको छोड़ते हैं। इस साल होने वाली है, आपका शनाती कार्ड बना हुआ है? अभी दे के आ रहा हूं, चलान करवाया। प्लीज आप मैसेज दिखाएं जो चलान हुआ है। जमा नहीं करवाया, झूठ नहीं बोलता, मैं दिखाता हूं। जिनका चलान पहले से हुआ होगा तो वो कैसे वेरीफाई होगा? सर वो इनके पास मैसेज हमारा आ जाता है, उससे वो वेरीफाई हो जाता है। आपका चलान किस चीज़ का हुआ है? हेलमेट का। और आपने दोबारा नहीं हेलमेट पहना? मैं असल में थैलेसीमिया पेशेंट हूँ, मेरा ना सांस का मसला होता है गर्मियों में खास तौर। आप मेडिकल ले लेना, मेडिकल होना चाहिए। ये तो कहीं अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए नहीं जमा कराया, उन्होंने आईडी कार्ड रख लिया। ये बच्चा लग भी रहा है कि ये पेशेंट है जी? सर इसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह इनको जो है? सर जो हेलमेट है वो दो किस्म के होते हैं, एक प्रॉपर होता है और एक दूसरा होता है हेलमेट, ठीक है। ये वो दूसरे वाला हेलमेट ले लें, वो शुगर के मरीज़, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, वो उनके लिए ज़बरदस्त है। चलान हुआ भाई का? 2000 का चलान हुआ इनका, ये मैसेज आ गया, 2000 का चलान हो गया इसका। ये नाज़रीन, ये अभी तकरीबन 10:32 पर इनका चलान हुआ है, और ये अब तकरीबन 12 बज गए हैं और ये दोबारा रोका गया। कैसे मैनेज करते हैं आप? पेशेंट भी हैं, यकीनन लग भी रहे हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं? बस जी अल्लाह ताला चला रहा है निज़ाम। वैसे शॉप है मेरी उधर अपने घर के पास ही, शॉप से ही मैनेज हो जाता थोड़ा बहुत। फादर भी मेरे नहीं हैं, वो डेथ हो गई थी उनकी, मैं ही हूँ बस, मैं और मम्मा दो बंदे हैं हम। तो आप मेडिकल ले लें, यकीनन आपके जो है वो मेडिकल अभी उसके बारे में नहीं था, इन्हीं के मुँह से पता चला। बताएँ किस तरह, कहाँ से मिल जाएगा मेडिकल? प्रॉपर प्रोसेस बता दें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ले लूँगा। नहीं तो बस आपका वो जो दूसरा आप कह रहे हैं शॉर्ट हेलमेट जो होता है वो पहन लें, वो भी बेहतर है। मेडिकल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये हेलमेट पहनेंगे तो वो सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। इनकी हेड इंजरी जो है वो उससे ये बच सकते हैं। इंचार्ज से बात करते हैं। इशफाक साहब मुझे बताइएगा कि ये थैलेसीमिया का पेशेंट है एक बच्चा, और ये इनके बता रहे हैं कि हमारा चलान भी हुआ है 2000 का अभी कुछ टाइम पहले, और दोबारा इनको रोक लिया गया है, किस तरह इनका है कि किस तरह ये बच सकते हैं? जी हेलमेट का चलान तो इसका कल परसों हुआ होगा, लेकिन इसे हेलमेट अभी आज हुआ है, तो आप मेन बुलवार्ड पे नहीं आ सकते आज। इसका हम चलान अभी चेक करते हैं, चेक किया है इसका चलान? 2000 का चलान, तो इसको वापस भिजवा दो। अभी हम ये कर रहे हैं कि हेलमेट गाड़ी हम बंद कर रहे हैं, हेलमेट लेके आता है हमें चेक करवाता है, तो उसके बाद फिर हम इसको छोड़ते हैं। सर लेकिन यहाँ एक मसला है कि ये बच्चा बता रहा है कि मैं थैलेसीमिया का पेशेंट हूँ। जी बिल्कुल, थैलेसीमिया का अगर पेशेंट है तो डॉक्टर से लिखवा लें, डॉक्टर इनको लिख के दे देंगे, ये हेलमेट नहीं पहन सकता, ये हेलमेट पहनने से इसको कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई मसला नहीं। तो बेटा आप ये काम कर लो, आप 2000 से बच, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। इस बारे में इल्म नहीं था मुझे ना। अब सर इसका क्या हाल है? अभी एक तो इसको मेन बुलेवार्ड पे नहीं जाने देंगे, दूसरा इसको अभी बंद करेंगे, इसको डिटेन करेंगे, हेलमेट लेके आएगा तो फिर इसको हम छोड़ेंगे। बेटा आप बंद हो रहे हो और आपको बाइक बंद की जा रही है? अब मैं मजबूरी है ना, शौक से तो नहीं पहनता मेरा गर्मी। हेलमेट ऐसे हैं जो ओपन है, ओपन हेलमेट भी है, जिनको इसको इशू होता है ना, मसला होता है, वो ओपन हेलमेट भी होते हैं, वो ओपन होता है बिल्कुल कैप, वो भी हेलमेट है। ये जरूरी है नहीं कि ये दूसरा हेलमेट है तो ये नहीं पहन सकते, इनको सांस का प्रॉब्लम होगा। वो ओपन हेलमेट है, वो असल मेन मकसद है सर की हिफाजत करना, कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह मिसहैप हो जाए तो चोट हेड इंजरी ना हो। चले जी, ये बच्चे की बाइक बंद की जा रही है और जो आगे देखते हैं क्या होने जा रहा है। कहाँ पे हुआ चलाना आपका? चलान दिखा दें। पंजाब ये इनका आज का है, इनका चलान हुआ है 10:53 पे हुआ है सर इनका। चलान हो गया? हाँ जी चलान हो गया। फिर भी आप फिर रहे हैं? मैं अभी घर जाऊंगा तो फिर ही हेलमेट लूंगा। 2000 का फाइन हुआ इनका। आप ना वापस चले जाए, मेन बुलवार्ड पे आप नहीं जा सकते, आप वापस चले जाए। सर ये सजा है? जी ये सजा, मेन बुलवार्ड पे हम बगैर हेलमेट के एंट्री नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि ये जितने भी बड़े लोडर हैं ये एक चलान करवाते हैं रोज़ का, यानी इनका मेंटल सेट है कि एक चलान करवाएंगे, पूरा दिन जो है वो हम फिर दंदनाते फिरेंगे, इसका क्या हाल है? नहीं लोडर रिक्शा की आपको बैन कर दिया हमने, जो मॉडल रोड हैं, मार रोड है, किनार रोड है, मेन बुलवार्ड, इधर हमने इसका दाखिला ममनू कर दिया, और हम इनके FIR दे रहे हैं, जो ओवरलोडिंग होती है उन पर FIR दे रहे हैं, बाकी इनका हैवी चलान करके तो हम नीचे उतार देते हैं।
सर ये आम रूटीन में होता था कि एक चलान जो है वो दूसरी इशारा पर भी एक चलान जो होता था वो पूरे दिन के लिए होता था, मेंटली सेट होता था कि मैं यही चलाऊंगा और चलाता रहूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे भी कोई और वायलेशन करेगा तो उसका चलान होता है, वो तो हम समझ लेंगे, इनको रायत देते हैं कि इसका एक चलान हो गया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा कोई और कोई वायलेशन करेगा तो उसका चलान होगा। लेकिन नाज़रीन मैं भी बताना चलूँ कि इशफाक साहब एक बड़ी ख़ास किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं कि अगर किसी का एक चलान हुआ है तो उसको वापस इसी रोड से भेज दिया जाता है कि वो मेन बुलेवार्ड पर चढ़ने का अहल नहीं है। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नेम है सर आपका? दानिश नाम है। दानिश नाम है, माशाल्लाह। सर आपने अपना हेलमेट बाजू में पहना हुआ था? ये अभी यहाँ से निकला ही था, पहले चेहरे पे ही पहना था लेकिन पसीना बहुत आ रहा था। सर पिछले साल की डेथ रेशो 472 है जो कि हेलमेट ना पहनने की वजह से है, तो इसीलिए हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं कि आप अपना हेलमेट पहने अपनी ज़िंदगी को सेव करें। ठीक है। अपना लाइसेंस आपका बना हुआ है? बना हुआ है, लैंडिंग बना हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि ना मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। अच्छा, अच्छा। ऑफिस वाला। आईडी कार्ड है आपके पास? आईडी कार्ड भी है, मैं जल्दी में ना ऑफिस वालों ने भेजा था, ये गुलबर्ग थाना नहीं यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आया था। अच्छा। अभी मैं रिपोर्ट लिखवा दी है। डॉक्यूमेंट नहीं आपके पास? अभी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इजी पैसा जायज़ कैश होगा आपके पास? ठीक है, उसमें हम आपको एक छोटा सा चलान जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप अपना सबमिट करवाएं। ये फाइन आपका इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पता हो कि मैंने अपनी जितनी आपकी मेरी है हेलमेट पहन अपने सारी चीज़ें प्रॉपर लेके फिर मैंने चलना है रोड पे। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी सेफ करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? 2000 का चलान हो रहा है, नासिब कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है। मैं भी काम करने वाला हूँ। मैं 1875 में कर यार, ये तो मैं खुद, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैंने अभी उसके पैसे भरने हैं। एक आपसे मोहतमाना गुजारिश है ब्रदर, आप खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं और यकीनन अभी आपकी शादी भी होनी होगी। सर ये हेलमेट आपकी बाइक को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, ये आपके लिए, और ये आपके लिए यहाँ खड़े हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को ऐसे हंसते नज़र आएँ, आपकी खुशियाँ देखें, तो इसको आप अपने सर पर पहनें। ये 2000 चलान कर रहे हैं, ये एज अ सज़ा के तौर पर है आपकी कि आपको नेक्स्ट टाइम याद हो मैंने ये हेलमेट पहनना है, तो आप इससे खुश हैं? खुश नहीं है क्योंकि मैं वैसे आम तौर पे हेलमेट पहन के रखता हूँ, आज बाजू में था, आज पकड़ा गया। पिछले साल 472 डेथ रेशो है, ये देखें 472 डेथ रेशो है खाली आपको हेलमेट ना पहनने की वजह से। विंग पे भी तो फर्क पड़ता है ना, आपने देखा है मैं कितने प्यार से चला रहा हूँ बाइक, आपने ये भी तो देखा है। आपको हेलमेट भी ज़रूर पहनना चाहिए, कभी भी कोई भी आपके साथ हादसा हो सकता है। तो अब हम आपकी जो सा है वो चलान जनरेट करते हैं, आपका एक चलान जनरेट करते हैं, वो आप अपना सबमिट कराएं और आप फ्री हैं। ठीक है, कितना मुनासिब यार, कोई आप कर दे, आपको पता है काम वाला बंदा हो तो कोऑपरेट किया जाएगा भाई के साथ, जितना एज वेल पॉसिबल हो सके उतना हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, कम से कम होगा। हमारा मकसद इनको परेशान करना नहीं है, इनके लिए फैसिलिटी और इनको रिमाइंड करवाना है कि आप अपना नेक्स्ट टाइम हेलमेट पहने। ये कॉमन बात है कि लोग समझते हैं कि वार्डन जो है शहरियों को तंग करते हैं, तंग नहीं करते, ये आपके लिए खड़े हैं। और यकीन करें कि ये जिस तरह यहाँ ड्यूटी देते हैं ना, जितनी गर्मी में कोई भी मौसम हो, आप मेरे ख्याल से एसी इंजॉय कर रहे होते हैं और हम, लेकिन ये नौजवान इशारों पर खड़े होते हैं आपकी बाइक की और ट्रैफिक की जो रवानी को बरकरार रखने के लिए ना, ये यहाँ खड़े होते हैं आपकी फैसिलिटी के लिए, हम आपके मुहाफिज हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम अपना हेलमेट वेयर कीजिएगा, सो डैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग चलान फॉर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर मुझे बताइएगा, एक कॉमन जब कोई भी शहरी रुकता है, आप उसकी बाइक रोकते हैं, उसका कॉमन बहाना क्या होता है कि मैं कहाँ जा रहा था, ओपोजिट ब्लड देने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आपने मुझे रोक लिया, क्या बहाना करते हैं? सर ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, अपना जो बेसिक अपनी रीज़न बता रहे होते हैं, वैसे पहले से ज़्यादा वॉयलेशन काफ़ी कम हो गई हुई है इस हमारा एरिया में। ठीक है, तो जिनका कोई सॉलिड रीज़न होता है हम उसको वेरीफाई करके उनको रिलीफ भी करते हैं, ये नहीं कि हम सबके साथ फाइन कर रहे हैं, कोई अपना सो मजबूरी में होता है। ठीक है, जिस तरह किसी की मामा है साथ बैठी हैं, कोई गाड़ी में है, बाइक में है अपनी कन्वीनियंस पे, तो उनको हम रिलीफ भी करते हैं वेरीफाई करके, कोई अपनी एमरजेंसी में हो, बाकी अपनी वायलेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम उनको रिलीव भी करते हैं। आपको कि ये बहाना लगा रहे हैं, हम प्रोफेशनल हो गए हैं कि हमें पता चल जाता है, उनके फेस फीचर से पता चल जाता है, तो हम उनको रिलीव कर देते हैं। कभी दुख हुआ है किसी का 2000 का चलान किया हो तो? जाहिर बात है इंसान है, नौजवान है, आपको हुआ कि यार ये बेचारा कहाँ से भरेगा? सर अनहक्का नहीं कभी भी किसी के साथ किया, वैलिड रीजन पे किया है, ताकि वैलिड तकलीफ तो होती है सर, और पर इनकी ये वैसे वक्ती तौर पे तो दुख होता है कि पर इनकी सेफ्टी है, जितने वॉलेटर्स हैं उनकी सेफ्टी है ये।
कि नेक्स्ट टाइम इनकी जो सी अपनी एक्सीडेंट से बचत के लिए है, जितनी भी वायलेशन हैं इनके इसीलिए करते हैं। थैंक यू।